बहुत पहले एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बूढ़ा बहुत मेहनती था। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, मगर खाने पीने के मामले में बहुत चटोरा था। वह बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था। बुढ़िया बहुत कंजूस थी। उसकी कंजूसी के कारण बूढ़े को कभी अच्छा भोजन नहीं मिल पाता था। बूढ़े ने एक दिन बुढ़िया से कहा, क्यों ना हम लोग एक तोता पाल लें, इससे हमारा समय अच्छी तरह से कट जाएगा। बुढ़िया भी खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गई। बुढ़िया के राजी होते ही बूढ़े ने खुश होकर कहा, उस तोते को हम अपने खेत के पास वाले आम के कोठर में रखेंगे। तुम जब मेरा खाना लेकर आया करोगी तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन और दूध मलाई लाया करना, इससे तोता जल्दी बड़ा हो जाएगा। इस बात पर बुढ़िया राजी हो गई। प्रतिदिन वह बुढ़िया बढ़िया बढ़िया भोजन, दूध और मलाई लाने लगी और बूढ़ा पेड़ के कोटर में जाकर मजे से सारा बढ़िया बढ़िया भोजन हजम करने लगा। एक दिन बुढ़िया जब स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंची तो बूढ़ा उसे लेकर कोटर में चला गया। इतने में बुढ़िया के मन में विचार आया कि जरा देखूं तो कि तोता कितना बड़ा हो गया है। बुढ़िया ने जब पेड़ के कोटर में झांक कर देखा तो वहां बूढ़ा बैठा हुआ मजे से भोजन कर रहा था। बूढ़े की चालाकी पर बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और वह मायके जाने की तैयारी में जुट गई। उसने बूढ़े का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली। बुढ़िया अपना सारा सामान एक बड़े से बक्से में रखकर रास्ते में खाने के लिए रोटियां पकाने के लिए चली गई। बूढ़े ने बुढ़िया को मनाना चाहा, मगर वह मानी नहीं। तब वह बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ और वह बुढ़िया को मनाने का उपाय सोचने लगा। मौका पाकर वह बुढ़िया के बड़े से बक्से में कपड़ों के नीचे दुबक कर बैठ गया। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी रोटियां सेकी और बक्से में ऊपर ही रखकर बक्से को बंद कर दिया। इसके बाद वह अपने सिर पर उस बक्से को लेकर अपने मायके की ओर चल दी। काफ़ी दूर जाने पर बुढ़िया को भूख लगी। वह थक भी गई थी, इसीलिए एक स्थान पर बक्से को उसने सिर से उतार कर खोलने लगी। बक्सा खोलकर उसने देखा तो पाया कि बक्से की सारी रोटियां गायब है और वह बूढ़ा उस बक्से में दुबक कर बैठा हुआ है और बुढ़िया की ओर टुकुर टुकुर ताक रहा था। थकी हुई बुढ़िया भूख से व्याकुल थी। जब बूढ़े को इस प्रकार बक्से में बैठा देखा तो वह एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस बूढ़े पर बुढ़िया को दया आ गई और मायके न जाकर वह बूढ़े के साथ अपने घर वापस लौटकर आ गई। इसके बाद बुढ़िया ने कंजूसी छोड़ दी और अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर बूढ़े को खिलाने लगी और दोनों फिर प्रसन्नता से रहने लगे।